जेन्युइन डिस्पैच जो है मैंने ले लिया है। और बाद में ना मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा थोड़ी देर में। राइट वाला टायर है ना, इसकी हालत तो और बेकार है। देखो उसका ब्रेक ऑयल भी निकल रहा है और साथ में ना ये और ज़्यादा जाम हो रखा है। कोई कोई क्या करता है, एस्प्रेसो की डिस्पैच की जगह ना वैगन आर का डिस्पैच लगा देते हैं। गुड मॉर्निंग सबको भाई, अच्छे अच्छे फूल देखो। और अभी हम जो है आज जाएंगे एस्प्रेसो का डिस्पैच चेंज करवाने। तो भाई आज जो है ना एस्प्रेसो का डिस्पैच चेंज होना है और फर्स्ट टाइम चेंज होगा, ठीक है। मतलब लगभग 1 लाख किलोमीटर चली और अभी तक एक बार भी जो है हमने एस्प्रेसो को डिस्पैच चेंज नहीं करवाया। तो अभी ना मुझे लग रहा था कि डिस्पैच कुछ बचे नहीं होंगे, उसमें बस एक पत्ती बची होगी लोहे की जो घिस चुकी होगी। तो बुरा हाल होने से पहले ना मतलब ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, टाइम मिल गया है तो थोड़ा इसको सोचा हूँ करवा देता हूँ, है ना। तो चलते हैं और गाड़ी का जो है डिस्पैच को चेंज करवा देते हैं फटाफट से। अरे यार इसको भी तो ठीक कराना है, इतने दिन हो गए, मैं ना काम के लिए भूल ही जाता हूँ इसको ठीक करवाना। गुड मॉर्निंग बगीरा, तू सो आराम से, और कुछ नहीं है, मज़े कर। तो ये अपनी एस्प्रेसो है, अभी थोड़ा बहुत इसको ना साफ़ कर लेते हैं और फिर इसको लेके चलते हैं, क्योंकि धूल मतलब एक दिन भी गाड़ी बाहर खड़ी रहे ना पूरी धूल से सन जाती है। मतलब ये अंदर से ना इसका कोई ऐसा पार्ट नहीं होगा जहाँ इसमें मिट्टी ना हो, मतलब ऐसे चलाते ना पापा इसको खेतों में, ट्रैक्टर बना दिया इसको। अभी क्या हो रहा है इसमें, जैसे हम ब्रेक मारते हैं ना, तो जैसे DTC बस की आवाज़ नहीं थी ब्रेक मारने पे पूँ पूँ आवाज़ करती है, वैसे इसमें आवाज़ आती है ब्रेक मारने पे, क्योंकि दांत तो बिल्कुल उसमें घिस गए हैं। मतलब जो रबर होता है ना, जो लेदर होता है ब्रेक डिस्क पैड में, वो पूरा घिस चुका है, और जो कि 1000 किलोमीटर पहले ही घिस चुका था। भाई गाड़ी का जब भी काम होता है ना, मैं मतलब चाहे कोई भी सर्विसिंग हो या कोई पार्ट चेंज करवाना हो, मैं सबसे पहले ना सुबह निकलता हूँ, क्योंकि सुबह निकलने से क्या है सबसे पहले नंबर आता है, तो सबसे पहले वो धक्का मार के आपको जो है दुकान से निकाल भी देते हैं। तो पहले जाओ और पहले पाओ। तो ये जो जगह है ना, ये है दाबड़ी मोड़, और दाबड़ी में ना आपको बहुत सारे वर्कशॉप मिलेंगे, और जहाँ पे आपको है ना मारुति का जेन्युइन एसेसरीज़ का मतलब शॉप मिल जाएगा, जहाँ से आप पार्ट्स ले सकते हो खरीद के और बाहर से फिर फिट भी करा सकते हो। तो सारी चीज़ तो नहीं करानी चाहिए बाहर से, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे ब्रेक पैड हो गए, ये सब हम जो है ना बाहर से लगा सकते हैं। तो लो भाई आ गए, और यहाँ पे सारी ना लाइन से मतलब गाड़ी का ही काम होता है, गाड़ी के वॉशिंग वगैरह और आपका जो भी पार्ट्स वगैरह आपको चेंज करना है, इंजन रिपेयर करवाना है, कुछ भी गाड़ी पुराने मॉडल की होती है जिनका कंपनी में भी कुछ नहीं मिलता, तो बाहर सारा काम हो जाता है। सामने देखो ये है मारुति सुजुकी। जेन्युइन डिस्पैच जो है मैंने ले लिया है, और बाद में ना मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा थोड़ी देर में। तो चलते हैं अपनी एस्प्रेसो के पास, और अपना सामान जो हमें चाहिए था वो तो भाई मिल गया है, और ये देखो भाई एकदम जेन्युइन है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ना यहाँ से आया था, अब यहाँ से राइट मुड़ेंगे, ये देखो ये पतली सी गली है, जैसे आप सागरपुर की तरफ से आओगे ना तो आपको एक पतला सा रोड नज़र आएगा। तो ये रही भाई अपनी एस्प्रेसो, अब ना एस्प्रेसो को लेके हम लोग चलते हैं मैकेनिक के पास और लगाते हैं इसका डिस्क पैड। इसकी जो रिमोट वाली की है ना, वो तो भाई पापा के पास है, तो मेरे पास भी एक एक्स्ट्रा चाबी हमेशा रहती है, तो मैं इसको ना हमेशा इसी चाबी से चलाता हूँ। अब भाई यहाँ से निकलते हैं फटाफट से। तो ये देख रहे हो कैस्ट्रॉल का जो बोर्ड नज़र आ रहा है इस खम्भे के पीछे, मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं हमेशा ज़्यादातर जो है अगर मेरे को डिस्क पैड या ये सब चेंज कराने होते हैं तो मैं यहीं पर आके करवाता हूँ। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से, ये IP मोटर्स है ना, ये देखो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ IP मोटर्स है। तो इनके पास ना आपको पार्ट्स चाहिए पार्ट्स भी मिल जाएंगे, बट मैं तो मारुति से जेन्युइन ही ले आया, बाकी आप यहाँ से लगवा सकते हो। तो लेफ्ट साइड वाला डिस्क पैड खुल चुका है, और ये देखो भाई सिर्फ लोहा बचा हुआ है, कोई लेदर नहीं बचा इसमें जो मतलब रोकेगा गाड़ी को, कुछ भी नहीं बचा हुआ है, बिल्कुल घिस चुका है। और थोड़े दिन और होते ना तो पूरा ड्रम भी ख़राब हो जाता इसका। तो भैया ने एक साइड का डिस्क पैड तो लगा दिया है लेफ्ट साइड वाला, अब है ना भैया का जो है इसमें बस सेटिंग करना बाकी रह गया, थोड़ा सा इसको फिट विट कर देंगे, नट वट लगा देंगे, और इसके बाद ये वाला टायर तो कम्प्लीट हो जाएगा, मतलब टायर साथ में जो है कम्प्लीट कर देंगे भैया। गाड़ी के अंदर इतनी मिट्टी जमी पड़ी है ना, मतलब जो डिस्क पैड है वो अच्छे से फिट भी नहीं हो रहा, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत मिट्टी है, तो वो जाम हो चुका है, जो स्प्रिंग होता है वो ना थोड़ा जाम हो गया, तो भैया वही ठीक कर रहे हैं ऑयल वॉयल लगा के उसमें थोड़ा ठोक पीट करके, तो बस लग जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं ना डिस्क पैड को देख के इतना हैरान हूँ, अगर कुछ दिन क्या मतलब अगर 2 दिन मैं और चला देता ना इसको या पापा इसको चलाते तो ये पूरा प्लेट को ख़राब कर देता जिसमें डिस्क जो है कनेक्ट होता है।
देख रहे हो एयर सस्पेंशन है इसमें, एयर सस्पेंशन। ये देखो कितने स्टेप टेक्नोलॉजी है, ये देखो कितना मर्जी ऊपर उठा ला एस्प्रेसो को। मतलब ये एससी एसयूवी है, डिफेंडर फेल है इसके आगे, डिफेंडर कुछ नहीं है। जो राइट वाला टायर है ना इसकी हालत तो और बेकार है, देखो उसका ब्रेक ऑयल भी निकल रहा है और साथ में ये और ज़्यादा जाम हो रखा है। तो भैया ना सबसे कोशिश कर रहे हैं कि एक बार पैड जो है ना अच्छे से बस फिट हो जाए। तो अब भाई चलते हैं और एक बार ना टेस्ट कर लेते हैं कि ब्रेक जो है स्मूथली काम कर भी रहे हैं कि नहीं, पता चले अगले व्लॉग में एयरबैग टेस्टिंग का वीडियो आ जाए। भैया सारे एयरबैग खुल चुके हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसकी हालत है ना ऐसी क्यों हुई है, कुछ भी इसमें बचा क्यों नहीं है, बिल्कुल घिस कैसे गया ये। तो ये है इसका रीज़न कि ये ना ऑलमोस्ट 1 लाख चलने वाली है और आज तक इसका एक बार भी ना डिस्क पैड चेंज नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम था। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, जब भी आप एस्प्रेसो का डिस्क पैड चेंज करने जाओगे ना तो आपको रेट का या तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा। वो क्यों आएगा वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। वो इसलिए आएगा क्योंकि कोई कोई क्या करता है, एस्प्रेसो के डिस्क पैड की जगह ना वैगनर का डिस्क पैड लगा देते हैं या तो ऑल्टो का भी चल जाता है उसमें। ऐसा करने से आपको दो प्रॉब्लम होगी, सिर्फ 800-900 की बात है जो आपका एक्स्ट्रा लगता है, उसको बचाने चक्कर में आप अपना इंश्योरेंस क्लेम खो दोगे और जो आपका रिस्क है वो तो हमेशा जो है भाई बना ही रहेगा। तो भाई ये लोग क्या करते हैं, मतलब आपको लगेगा भैया यार ये तो सस्ता हो रहा है बहुत ज्यादा, मतलब आधे का डिफरेंस पड़ रहा है, लेकिन आधे का डिफरेंस नहीं पड़ता है। वो जो है आपको वैगनार या ऑल्टो इन सब का जो है ना वो लगा देते हैं डिस्क पैड, बट आपको जो कंपनी से ओरिजिनल मिलता है ना, जो जिस चीज का पार्ट है वही लगाना चाहिए। जैसे ये एस्प्रेसो था तो एस्प्रेसो का ही लगाया। हाँ ये इसका डिस्क पैड जो है महंगा है, डबल ही है, बट है तो जेन्युइन, टेंशन फ्री है ना, टेंशन फ्री रहोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी जो है ना वो आवाज़ तो भैया ख़त्म, जो ब्रेक मारने पे आवाज़ आ रही थी ना वो तो हट गई है क्योंकि बैट्स ही न्यू लग गए हैं, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। प्लस अब ब्रेक मारने में ना इतना मज़ा आ रहा है, गाड़ी एकदम स्टेबल है, ब्रेक भी बहुत एकदम जहाँ लगना है वहीं लग रही है। अब बस क्या है कि गाड़ी का ना सर्विस रह गया, बट अभी टाइम है 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर बाद जो है एस्प्रेसो की सर्विस होनी है, वो भी 8th सर्विस होगी। तो सारी सर्विस जितनी भी होनी है वो तो जनरली कंपनी से ही होती है। और ये देखो भाई गली में आते ना इतने सारे अपने बगीरा शकीरा सब, और ये उठेंगे पता है कब, जब बिल्कुल मैं पास पहुँच जाऊँगा। ये देखो ये उठा, अब वो उठेगा कि भैया वो उठ गया तो मेरे को भी उठना है, फिर वो उठ गया देखो। और एक तो बिल्कुल राइट साइड में यहाँ ये देखो ब्लैक सोया हुआ आराम से। तो भाई गाड़ी को पार्क करेंगे और बहुत टाइम है अभी जाके ना खाना वाना खा के सीधा एडिटिंग में लग जाऊंगा मैं। और हाँ पूरी वीडियो देख ली आप लोगों ने, सब्सक्राइब तो करके जाओगे ना।